आप लोगों के मुतालबात के जवाब देने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। आप तो इन्हें जानते ही हैं, हुसैन अफंदी। ये सिक्कों से भरा हुआ संदूक इस गद्दार के हुजरे से मौसूल हुआ है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हुसैन अफंदी हमारा सिर्फ एक खादिम था। तो सवाल यह है कि ये सिक्कों से भरा संदूक किसका है? करमान के बेटे इब्राहिम का है क्या? नहीं, हमने ये इससे पहले कभी नहीं देखा। तो फिर ये संदूक कुस्तुनतुनिया के शहंशाह का है। शहंशाह मौजम, हमारे सोने का आपके यहां क्या काम? अच्छा वाकई, तो बताइए सोना किसका है फिर? इसका मतलब मेरा ही है। बहुत खूब, तो इसमें पूरे 10,000 सोने के सिक्के मौजूद हैं। इसे अपने शहंशाह के पास ले जाओ और उनसे जाके कहो कि मुतालबा कबूल किया गया है। और जहां तक आपकी बात है, तो आज सुबह कारमान के वाली ने इस गद्दार हुसैन अफंदी के बारे में पूछा था, तो मालूम हुआ कि वो वहां से फरार हो गया था और वहां से फरार होकर फिर ताशली की तरफ चला गया था वो। जहां तक मेरा ख्याल है कि वो हुसैन अफंदी के जरिए मुझ तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे, मगर अफसोस हुसैन अफंदी की तो मौत मुंतजर थी। सुल्तान, मुझे माफ कर दें, मेरी दरखास्त है कि नजरअंदाज कर दें। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई मेरी। खड़े हो जाओ, जाकर अपने मालिक से कहो जिस अलाय किले पर उसने कब्जा किया है उसे बख्श दिया गया है, लेकिन अक्षीर बेशहीर हमारी खास मलकियत है। उस्मानियों की मलकियत है, किसी कारमान के वाली की मलकियत नहीं है वो। कारमान के वाली को यह पैगाम पहुंचा देना। अब जा सकते हो। सुल्तान, किस लिए? ऐसे कैसे हो सकता है? जिस सरजमीन पर उन्होंने कब्जा किया वही उनके हवाले कर देंगे? लश्कर से कहें कि तैयारी करें पाशा, और जब तैयारी हो जाए तो बता दीजिए, अदर ना जा रहे हैं। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सुल्तान महमद आपके पेशकश से मुत्तफिक हैं। अजीम शहंशाह, शहजादे औरहान के लिए सालाना खर्चा मखसूस कर दिया गया है। यानी फौरी तौर पे कारमान में मखसूस कर दिया गया है ना? ये संदूक, ये सोना काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। यानी तुम मुझे ये बताने के लिए आए हो कि सुल्तान महमद ने मेरी जानिब से बगावत के लिए जो सोना कारमान भेजा गया था उसको कब्जे में लेकर मुझे ही वापस भेज दिया।
और वो भी किसी खौफ के बगैर, है ना? एक सवाल है मेरा, सब कुछ जानते हुए भी उसने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? माजरत चाहता हूं अजीम शहंशाह। ये तो हम नहीं कर सकते, क्यों शहजादे? बिल्कुल नहीं, नहीं, माफ कर दें। मैं आपके लिए एक और मंसूबा तैयार करूंगा शहजादे उल्हान, मगर इस दफा अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझूंगा। सुल्तान मेहमद। मलिका खातून, सलामत लौट आए आप इसहाक पाशा। बिल्कुल मलिका खातून, अब जबकि कोई रुकावट बाकी नहीं रही तो जल्दी अपने निकाह की तकरीब मुनक्किद करेंगे। कारावान से वापसी पर हमने बुरसा में कयाम किया था, खाली हाथ आना हरगिज मुनासिब ना था। आपके लायक तो नहीं, मगर इजाजत दीजिए। आपा, मुझे सब्ज बाग मत दिखाओ, कहा था ना मैंने। सुल्तान मेहमद अभी तक खामोश है, हो सकता है। असलमा, क्यों देख नहीं पा रही कि क्या हो रहा है? इसहाक पाशा बुरसा से कितने तहाइफ लाया है। अगर मेहमद का कोई इरादा होता तो वो सामने आ चुका होता। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा, कुदरत की रजा में राजी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे पास। ये सब मेरी वजह से हुआ है और मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी आपा। क्या आपसे बात कर सकती हूँ बाबा? अभी वक्त नहीं है असलीमा। लेकिन एक जरूरी बात है। कहा है ना, वक्त नहीं है अभी। अगर इजाजत हो तो इसहाक पाशा से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ बाबा। मैं अपनी गलतियों की सजा बाजी के कंधों पर नहीं डाल सकती बाबा। अगर आपकी रजामंदी हो तो मेरा फैसला हतमी है।